स्वभाव कैसे परिवर्तित करना वो भी गुरु के सानिध्य में अपन को सीखने मिलता है। तो पुण्यवानों, इन चारों मार्गदर्शनों का पाकर चिंतन के लिए प्रतिदिन एक सामायिक जरूरी है। हम सुना देंगे रोज एक घंटा आपको प्रवचन दे देंगे, मगर वो आपके जीवन में परिणत कब होगा? उसके लिए इस मार्गदर्शन को पाकर चिंतन करना, उस चिंतन के लिए प्रतिदिन कम से कम एक सामायिक तो अवश्य करें। और सामायिक यह तो ग्रस्त जीवन का एक श्रेष्ठ शुभ समय माना गया है। जो ग्रस्त एक सामायिक कम से कम करता है, शांति से, कोलाहल नहीं, आवाज़ नहीं है, गड़बड़ नहीं। देखो, एक व्यक्ति गड़बड़ करता है और 100 लोगों की आराधना बिगड़ती है। एक आदमी चिल्लाहट करता है और जितने दूसरे आराधक पूजा करने वाले होते हैं, सामायिक करने वाले होते हैं, माला गिनने वाले होते हैं, सबको डिस्टर्ब हो जाता है। उसका सारा अंतराय कर्म कौन बांध लेता है? वो आवाज़ करने वाला, अशांति करने वाला व्यक्ति। तो पुण्यवानों, सामायिक 48 मिनट का रखा हुआ है। 48 मिनट है क्यों? तो कि प्रत्येक मनुष्य के मन की एकाग्रता 48 मिनट से ज़्यादा टिकती नहीं है। अब देखना, कोई भी शुभ विचार लेकर भी आप बैठेंगे, 48 मिनट के पहले पहले कोई ना कोई दूसरा विचार, चिंतन कहीं ना कहीं अपन चले जाएंगे। और एक छोटा सा अंतराय मन में आ ही जाता है, जिसके कारण से ध्यान अंतरी का मतलब ध्यान अपना भंग हो जाता है। और संतों ने शास्त्रों में लिखा है कि यदि अपन अपने जीवन के अंदर 48 मिनट एकदम शुद्ध हो जाए एक साथ में, तो अपनी आत्मा का कल्याण केवल ज्ञान हुए बिना रह नहीं सकता है। इतनी समय एकाग्रता लाने के लिए अपन को क्या करना है? 48 मिनट एकाग्र होकर बैठना है, 48 मिनट प्रमाद का त्याग करके बैठना है। मगर नहीं होगा, देखना आप समय लेके बैठेंगे, यहीं ऐसे नींद नहीं आएगी। आप बार कुर्सी लगा कर बैठेंगे ने, 4 घंटा 3 घंटा 2 घंटा गांव की पंचायती गांव की बातें करेंगे, आपको झोंका तक नहीं आएगा। और जैसे ही आप 48 मिनट की सामायिक लेकर बैठेंगे, वैसे 10-15 मिनट हुई नहीं हुई और अंदर से प्रमाद चालू हो जाएगा। इतना हमारे ज्ञानी पुरुषों ने इतना जबरदस्त एक विज्ञान रख दिया है अपने लिए कि यह क्रिया यदि जो आदमी सिद्ध कर लेता है उसको अवश्य ज्ञान हो जाता है। मगर 48 मिनट नहीं हो सकता है, इसलिए बार 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 लाख रुपया कमाना है मगर नहीं कमाए, इसलिए अपने बार बार धंधा करते हो, इसमें नहीं तो उसमें, उसमें नहीं तो उसमें, उसमें नहीं तो उसमें, कमाई जरूर होगी। बस वैसे ही धर्म क्रियाओं के अंदर अपन को बार बार और रोज, इसलिए अपन को धर्म आराधना करनी है कि एक दिन तो अपना नंबर है फोन लग जाएगा। मैं बताया था परसों के कटासना क्या है, अपन जो लगा के बैठते हैं ने, वो कटासना 2 घड़ी का मोबाइल है सिद्धशिला का। सिद्धशिला में बात करना है अपन, सिद्धशिला मतलब मोक्ष, वैकुंठ, जो भी कहो वो, वहाँ अपन को कांटेक्ट करना है। तो कैसे कांटेक्ट होगा? 2 घड़ी सामायिक कटासने के ऊपर अपन बैठेंगे तो हो सकता है कि आपका मोबाइल वहाँ लग सकता है। मगर जैसे घड़ी होती है, पहले के समय में घड़ी कैसी होती मालूम? नीचे एक लोलक रहता, हाँ, वो ऐसे 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 चलता ही रहता। यदि घड़ी को बंद करना है तो लोलक जो बंद हो जाएगा तो घड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। बस वैसे ही अपने मन में भी ये लोलक लगे हुए हैं राग द्वेष के, जहाँ तक वो राग द्वेष के लोलक बंद नहीं होंगे वहाँ तक संसार का परिभ्रमण अटकना रुकना मुश्किल है। और उस राग द्वेष के कांटाओं को
अपन हटाने के लिए, बंद करने के लिए अपने धर्म की क्रियाओं के अंदर हमेशा लगे रहते हैं। पूजा में, पाठ में, भक्ति में, माला में, सत्संग में, भजन में क्यों लगते अपन रोज रोज? घड़ी का कांटा 24 घंटा चलता रहता है, मगर जिस दिन घड़ी का कांटा बंद हो जाता है उस दिन घड़ी बंद। बस अपना भी राग द्वेष 24 घंटा घूम रहा है। अच्छा मिल गया तो राग हो गया, थोड़ा अनप्रतिकूल मिल गया तो क्या हो गया? द्वेष हो गया। और इसलिए अपनी वो 24 कलाक पूरी जिंदगी भाव भाव तक अपनी संसार की परिक्रमा चालू है। इस संसार की परिक्रमा को हटाने के लिए अपन को क्या करना है? राग द्वेष के कांटे बंद करने हैं। और बंद कब होंगे? सामायिक में आएंगे, क्षमता भाव में आएंगे। क्षमता भाव में आने के लिए ही तो सामायिक करना है। यहाँ पर बताया गया है कि एक मकरिया नाम के मुनि थे। क्या नाम था? संत मकरिया। और संत मकरिया के पास कोई साधक आ गया, जिज्ञासु आ गया। उस जिज्ञासु ने आकर संत को सवाल किया कि महाराज जी, मुझे मुक्ति में जाना है, मोक्ष में जाना है, मुझे वैकुंठ में जाना है, क्या करना चाहिए मुझे मोक्ष में जाने के लिए? संत ने कहा, भाई कब्रिस्तान देखा है तूने? क्या कहा? उस साधक ने, उस जिज्ञासु ने आकर सवाल किया कि मुझे कहाँ जाना है? मोक्ष में जाना है। आपको भी हम लोग पूछते हैं ने कहाँ जाना है, तो आप फट जवाब दे देंगे, मोक्ष में जाना है। जाने कोई बाजार से मिलने वाली चीज हो, जाने अपन रिजर्वेशन करा के रखी हुई चीज हो, मोक्ष में जाना है। बम्बई से थाना जाना हो, थाना से अगासी आना हो ने, तो इन लोगों को टिकट लेना पड़ता है, रुपया खर्च करना पड़ता है, तब जाकर उसको गाड़ी में बैठने को मिलता है और वो वहाँ पहुँचता है। यहाँ अपन न कोई खर्च, मन का खर्च, रुपया का खर्च साइड में है। अभी यहाँ धर्म की, आध्यात्म की बातें चल रही हैं। न अपना कोई खर्च, मतलब न अपन मोह छोड़ते, न ममत्व छोड़ते। वहाँ जाने के बाद भी अपन को मालूम पड़े कि मंदिर, दो मंदिर है, बाजू के मंदिर में 100-100 रुपये की प्रभावना चल रही है। अपन गए थे बाजू के मंदिर की भावना से, मगर उस मंदिर में जाने के पहले कोई मिल गया दोस्त, दर्शन करने आया, हाँ तो पहले वहाँ चले जाना। एक भगत 100-100 रुपये की प्रभावना कर रहा है। अब जिसके लिए आप बम्बई से आए उस मंदिर में आप नहीं जाएंगे, पहला कहाँ जाएंगे? 100 रुपये के लिए। ये राग है। किसका राग है? पैसों का राग। बस ऐसे अलग अलग चीज़ों का राग अपने मन के अंदर रहता है और राग के हिसाब से अपनी घड़ी चालू रहती है, संसार की घड़ी, और चक्र और परिभ्रमण अपना मिटता नहीं। इसलिए ज्ञानियों ने कहा, सामायिक करो, समता में आओ। कहीं कुछ भी होता होगा, कोई कुछ भी मारता होगा, मगर आप समता में बैठे होंगे तो आपका मन वहाँ पर नहीं जाएगा। संत मकरिया के पास जिज्ञासु आया। उस जिज्ञासु ने आकर कहा कि महाराज, मुझे रास्ता बताइए, मुझे मोक्ष में जाना है, वैकुंठ में जाना है, मुझे मुक्ति पाना है। मैं भटक भटक के थक गया हूँ संसार में। हर भाव के अंदर मैंने ये बंगले बनाए, परिवार बनाया, धन इकट्ठा किया, सोना इकट्ठा किया, और वो मेरा ममत्व तो कभी भी मेरा दूर नहीं हुआ। आयुष पूरा हुआ तो भी कोई मुझे बचा नहीं पाए, मैं अकेला गया हूँ। अभी मुझे मालूम हुआ है कि सब चीज़ें असार है, नश्वर है, धोखा देने वाली ये सारी चीज़ें हैं। अब मुझे मोक्ष में जाना, मुझे बताइए कौन से रास्ते में चलूं कि मुझे मोक्ष मिल जाए। महाराज ने कहा, कब्रिस्तान देखा है? क्या कहा? कब्रिस्तान देखा है? तो कि हाँ देखा है। तो एक काम कर, कब्रिस्तान में जा, शमशान में जा, वहां कोई मरा हुआ मुर्दा होगा, उस मुर्दे के पास जाकर जितनी भी तरह गालियां आवे उतनी गालियां दे उसको जाके। एक दो घंटे तक गालियां देना, साला बदमाश था, लुच्चा था, लुटेरा था, धोखाबाज था, जो जितना भी तुझे आती हो गाली का स्टॉक सारा वहां खाली करते।
महाराज मैं मोक्ष की बात पूछ रहा हूँ ना, आप मुझे शमशान बता रहे हो, तो कभी तेरा जवाब मिल जाएगा तेरे को, तो जाके तो आ गया वो आदमी। एक दो घंटा तीन घंटा तक मुर्दे के सामने शमशान में गाली खूब बोली, बहुत गाली बोली, थक गया, फिर रिटर्न आया, आके महाराज को हाथ जोड़ता, महाराज जी जाके आया मैं, क्या किया? तो बहुत गालियाँ दी, कि जितनी आती थी उतनी सारी गालियाँ दे दी। तो उस मुर्दे ने कुछ जवाब दिया? तो नहीं दिया। अच्छा, नहीं दिया बिल्कुल जवाब? तो नहीं दिया। अब तू जा, जिस दिन तेरे को कोई कुछ भी कह दे, कितनी भी गालियां दे दे, और उसके बावजूद भी तेरे को न क्रोध आवे, न मोह आवे, न ममत्व आवे, हैं, तो भी तू समता भाव में जो रहे, उस दिन समझना कि तुझे मोक्ष का मार्ग मिला है। समय क्यों करना है? राग को छोड़ने के लिए। समय क्यों करना है? द्वेष को छोड़ने के लिए। पर अपन अभी इतने शिक्षित नहीं बने, जहाँ तक क्रोध नहीं जाता है, जहाँ तक ये ममत्व नहीं छूटता है, वहाँ तक यही समझना है कि अपन अभी शिक्षित नहीं बने, अभी अज्ञान है, अभी मोह है, अभी राग है। इसलिए जैसे संत ने कहा कि उस मुर्दा को तेने गालिये दिया, तो एक शब्द बोला हो तो कि नहीं बोला, तो बस तुझे भी कोई गाली भी दे, तेरा कोई सम्मान भी करे, तो भी तुझे तेरे को जो राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, उस तरह से तू आराधना करेगा, तब तेरा सन्मार्ग के ऊपर चलना चालू हुआ है। एक छोटी सी बात में क्रोध आ जाता है, हैं, एक हो रात्र पोषित लेते हैं और मच्छर काट लेते हैं, या और कोई तकलीफ माकड़ वगैरह खा लेते हैं, अपन सोचते कि वो उपासना में तो यार मच्छर बहुत है, कि अपन दूसरी जगह सामायिक करने जाएंगे, हैं, वहाँ तो प्रभावना कम मिल रही है, वहाँ प्रभावना ज़्यादा मिल रही है, इसलिए चौमासा वहाँ करने जाएंगे, ये राग आया। जहाँ तक अपने मन के अंदर से ये ममत्व, ये मूर्छा दूर नहीं होती है, वहाँ तक अपन को बार 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 क्या करना है? सामायिक चालू रखना है, क्योंकि शास्त्रों में कहा है बहुसो सामायम कुज्जा, क्या लिखा है? बहुसो सामायम कुज्जा, श्रावक अपनी शक्ति के अनुसार बहुवार, मतलब बार बार सामायिक करे, क्योंकि बार बार सामायिक करने से उसका मन धर्म ध्यान में लगेगा, अब अशुभ चिंतन बंद होगा। फालतू बैठा रहेगा तो क्या करेगा? पंचायती करेगा। देखना जो फालतू लोग होंगे ने, दो जन जमा होकर पंचायती चालू करेंगे, उनको कोई लेना नहीं होगा, कभी कुछ देना नहीं होगा, तो भी उनकी अशुभ चिंतवान चालू हो जाएगा। मगर सामायिक लेके बैठे मतलब मौन चालू, मौन चालू एटले अशुभ चिंतवान बंद हो जाएगा। वचन से पाप प्रवृत्ति के वचन बंद हो जाएंगे, और काया से पाप प्रवृत्ति बंद हो जाएगी। इसलिए महापुरुषों ने अपन को बताया है कि सामायिक और नौमा व्रत है। सामायिक के दौरान मुख्यतः अपन को क्या करना है? स्वाध्याय करना है। क्या करना है? स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब शास्त्रों का वाचन। शास्त्र का वाचन आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको इतना अभ्यास नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, तो आप क्या करें? आजकल के समय में हर ग्रंथों का हिंदी और गुजराती में ट्रांसलेशन उपलब्ध है। महापुरुषों ने बनाए हुए और शांत सुधारस ग्रंथ है, उपमिति भव प्रपंच कथा है, अध्यात्म कल्प द्रुम है, ऐसे ऐसे ज्ञान सार प्रकरण है, इतने सुंदर इतने अद्भुत ग्रंथ है। उन ग्रंथों का गुजराती या हिंदी ट्रांसलेशन लेकर एक सामायिक के अंदर डेली आप 48 मिनट तक स्वाध्याय कीजिए। पढ़ना नहीं आता है, हैं, तो आप क्या करिए? माला गिनिए। नहीं आता है तो पहला रास्ता कौन सा है? स्वाध्याय का। क्योंकि ज्ञान बढ़ेगा तो आपकी स्थिरता आएगी, और ज्ञान नहीं बढ़ेगा तो भी क्या होगा मालूम है? एक माजी थे,
डेली फिक्स टाइम उनका सामायिक करने का, घर के अंदर कांच की एक बारी थी, इस बारी के पास बैठने का। वो घर में अकेले थे, उम्र हो गई, साफ सफाई थोड़ी थोड़ी कम हो गई घर में। अब वो सामायिक लेने बैठा, रोज माला गणे, महीना दो महीना छः महीना बारह महीना साल दो साल हुआ, सफाई कम हुई, इतने वो कांच के ऊपर क्या हो गया, कचरा जमता गया। अब सामायिक करते करते उस माजी को दूसरी कोई माजी मिलने आए, अलग मलग की बातें उनकी चालू हुई, बातें करते करते कि केड़ो कलियुग, कैसा कलियुग आया है, है लोग तो बदल गए मगर देखो सूरज महाराज भी बदल गए, के सूरज महाराज भी बदल गए। तो क्यों? अरे जब मैंने 10 साल पहले सामायिक करने का चालू किया ने, तब यही जगह है, यहाँ बैठते ऐसा धूप आता, ऐसा उसका उजाला आता कि हम चमकता सूरज महाराज की। अभी 10 साल में देखो दुनिया बदल गई है, क्या सूरज भी बदल गया, देखो अभी धूप भी नहीं आता, उसका उजाला और प्रकाश भी तेज खत्म हो गया सूरज का। और सूरज का तेज खत्म हुआ था कुछ? बिल्कुल नहीं हुआ था, उनकी आंखों का तेज खत्म हुआ थोड़ा, और थोड़ा उनके जो कांच थे बारी के उसके ऊपर क्या हो गया, कचरा जाम हो गया था, इसलिए वो सूरज झाँका झाँका दिखने लगा, प्रकाश कम दिखने लगा। ऐसे आजकल घनी बहुत सी बार लोग कहते हैं धर्म का प्रभाव कम हो गया, धर्म का प्रभाव कभी कम नहीं हुआ है और कभी कम होने वाला भी नहीं है, मगर अपनी आस्थाएं, अपना उनके प्रति का लगाव जब कम होता है तब तो अपन को झाँका दिखता है, सूरज की तेज दिखाई नहीं पड़ती है। इसलिए यहाँ पर कहा कि रोज मांजो, क्या करो, किसको मांजो, हृदय को रोज साफ करो। है सामायिक लेके बैठकर अपन को क्या मांझना है, मन का स्वभाव शिखर की ध्वजा जैसा है, पवन आता है वैसे वो शिखर ऊपर रही हुई ध्वजा या वहाँ फरकती है, वैसे अपना मन भी कहीं ना कहीं भटकता रहता है, फरकता रहता है। इसलिए मुबनीवानों धर्म के लिए मन को मारना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। हाँ मंजी भाई तो कहेगा मार बैठा रहा हूँ, मंजी भाई कहेगा कि सामायिक नहीं करनी है, मगर उसको मारोगे मतलब समझाओगे धीमे धीमे तो मनाना पड़ेगा उसको, और फिर चढ़ाना पड़ेगा उसको, तब जा करो उस गर्म तब करेगा या अट्ठाई तब करेगा या तो तेला का तब करेगा या तो शक्ति अनुसार है सद क्षेत्रों के अंदर मिली हुई संपत्ति का वो सदव्यय करेगा। मगर जो व्यक्ति अपने मन को समझाता नहीं है उस व्यक्ति के हाथों से कभी ये सामायिक हो ही नहीं सकती है। समकित सामायिक सामायिक के भेद अलग अलग बहुत बताए गए हैं। तो पुण्यवानों राग बढ़े तब ममता बढ़ती है, ममता कब बढ़ती है, राग बढ़ता है तब अपना ममत्व भाव बढ़ जाता है। इसलिए कहा गया है कि साधु जो होता है वो सुख का त्यागी होता है, साधु कौन होता है, सुख का त्यागी होता है, उसको सुख नहीं चाहिए, कभी घी घड़ा कभी मुट्ठी चढ़ा और कभी वो भी मना, विहार करते करते जाते हैं ने, कभी वो भी समय आता है गांव में घर नहीं होते हैं, गोचरी कभी नहीं भी मिलती है, कहीं सम्मान होता है कहीं कोई बुलाने वाले भी नहीं मिलते हैं, तो सारी परिस्थिति में उनका लक्ष्य क्या होता है, सुख का त्याग। और सावक कौन होता है, सुख का वैरागी। सावक की भावना क्या होती है, सुख का वैरागी होता, मतलब जो सुख मिला हुआ होता है भुगतता है, मगर भावना यह होती कि इसका कहीं सदुपयोग करो, लक्ष्मी मिली है, साधन मिले हैं, संपत्ति मिली है, साधन अच्छे अच्छे मिले उसका सही उपयोग करूं, नहीं तर तो फिर वो दासी थी ना, महाराजा की दासी थी, एक राजा के घर में एक दासी रखी हुई थी, उसका काम था कि महाराजा और महारानी जिस रूम के अंदर सोते हैं वहाँ पर सफाई करना और सारी चीज़ों को बरोबर संभाल के रखना, विश्वास उदासी थी। अब वो दासी बहुत वर्षों से काम करती थी मगर कभी भी महाराजा के उस पलंग के
अंदर सोई नहीं। अचानक उसको बहुत वर्षों के बाद सफाई करते करते मन में आया कि आज देखो तो सही कि महाराजा रोज इस गादी में सोते हैं, डल्लोप की गादी है, अच्छा रूह कापोस अंदर डाला हुआ है, बहुत मुलायम है, वह पूरी जिंदगी सो रहे हैं, तो अभी तो महाराजा और महारानी है नहीं, तो 10-20 मिनट में भी मजा ले लो। तो दासी सो गई, मगर वहाँ वातावरण ऐसा था, उस कौन सा रूम बोलते, ड्राइंग रूम बोलते क्या बोलते हैं, बेडरूम, हाँ मुझे तो भी वही पता नहीं है, क्योंकि मैं तो 10 साल में दीक्षा ले ली है, किसको ड्राइंग कहते हैं किसको बोइंग कहते हैं पता नहीं। तो उस बेडरूम के अंदर और सो गई, वातावरण ऐसा था कि 10 मिनट में उसको तो आ गई नींद, घंटे दो घंटे तक वो जगी नहीं, उतने में महाराजा आ गए। और महाराजा आकर देखते, अरे मेरे पलंग में ये दासी, कोई कीमत नहीं जिसकी, पाँव रखने का मैं इसको कोई राइट नहीं, और मेरे पलंग में सो गई है। लिया चाबुक और चाबुक लेकर एक मार दिया, खड़ी हो गई, क्षमा भूल हो गई कि ऐसा काम करती है, दूसरा मार दिया और पाँव पड़ती, तीसरा मार दिया, चौथा मार दिया। फिर दासी अचानक हंसने लग गई, मारो मारो के, राजा भी रुक गया, एक मारा तो रोने लगी, दो मारा तो पैर पे पड़ी, तीन में तो आजीजी करने लगी, और 5-6-7 हो गए, चाबुक तो रो रहा है, अब हंस रही है, अरे क्यों हंसती है, कुछ नहीं मारो के, मजा आ रहा है, मारो के और भी मारो के। तो राजा ने मारना बंद कर दिया, और रहा साला कुछ है के? सच बताओ तू हंसते क्यों है? तो कि महाराज पहले क्षमा दे दो थको, तो कि जा क्षमा, मेरे मन में विचार आ गया, 2 घंटा इसमें सोई तो ऐसी शिक्षा हो रही है, 2 घंटा इस पलंग पे सोई हो तो इतने चाबुक पड़ रहे हैं, तो ये महाराजा ने महारानी तो जिंदगी भर इसमें सो रहे, ऊपर वाला इनको कितना चाबुक मारेगा, अपन को तो 10-20 चाबुक पड़ेंगे, बहुत बहुत तो राजा कितना मारेगा, मगर आ जब महाराजा और महारानी ऊपर जाएंगे तब जो मेरे मालिक आप हो तो आपके मालिक ऊपर बैठे हुए, वो मालिक आपको कितना चाबुक मारेगा तब मजा आएगी के, इसलिए मुझे हंसना आ गया। कोई भी चीज़ अपन को मिलती है साधन है उपयोग के लिए, मगर साधन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। संपत्ति है व्यवहारों को चलाने के लिए, मगर संपत्ति के पीछे पागल तो नहीं होना चाहिए। लोग तो पागल बन जाते हैं संपत्ति के पीछे, लोग तो पागल बन जाते हैं साधनों के पीछे। चमड़ी टूटे मगर दमड़ी न छूटे, इसलिए यहाँ पर बताया गया है, सामायिक विशुद्धात्मा सर्वता घाती कर्मणा क्षयात केवल मापनोति लोका लोक प्रकाशकम। श्रावक सुख का वैरागी मतलब साधन कितने भी अधड़क ढेर क्यों न लगे हो घर के अंदर, मगर श्रावक की आत्मा में मन में एक विचार होता है, कब मुझे मौका मिले कि मैं कोई सुकृत करूं, कब ऐसा अवसर आवे कि मैं भी मेरी इस लक्ष्मी का अच्छे कामों के अंदर विनियोग करूं, वो बोला जाता है वैराग। श्रावक सुख का वैरागी होता है और साधु सुख का त्यागी होता है। ज़्यादा साधन ज़्यादा सामग्री साधु जो जमा करे है तो साधु नहीं है, साधु तो त्यागी होता है, जितना हो सके उतना ज़्यादा ज़्यादा त्याग वो साधु का धर्म है, और श्रावक का धर्म है वैराग। यूज करे इकट्ठा भी करे मगर उसके अंदर चिपके नहीं, मौका आने पर वो भी उसका दान के अंदर धर्म के अंदर वो अपनी चीज़ों का अच्छा यूज करे। साधन में की भक्ति करने का मौका आवे तब अपने वेवई और अपने जमई से बढ़कर वो साधन में की भक्ति करते हैं, उसको बोला जाता है वैरा। जब कोई दूसरे व्यक्ति को हेल्प और मदद करने का मौका आ जाए तब बड़ी करुणा से उसको हेल्प करते, ले भाई लेके जा। एक जगह पे लिखा है
कि भिखारी नहीं भीख मांगे, भिखारी नहीं भीख मांगे, सिख आपे घरे घरे। और जब भीख मांगने निकलता है, अभी तो गली है नहीं, आप तो कहीं ना कहीं रहते हो, बेचारा कहाँ से आएगा, 20 में माले, 25 में माले, 30 में माले, कोई भिखारी हो बिल्डिंग में ही नहीं घुस सकता है। पहले अपन गलियों में रहते थे, गली होती मारवाड़ में आधा आधा किलोमीटर, तखतगढ़ में देखो ने अन्न नाके दी वन के नाके जाओ तो आधा किलोमीटर एक किलोमीटर वह जाए, इतनी मोटी मोटी इतनी बड़ी बड़ी वो गलियाँ होती हैं। अब वो गली में कोई भिखारी निकले, माँ बाप दे जो, दो दिन का भूखा हो, तीन दिन का भूखा हो, आज जोड़ता हो, बहुत तकलीफ है, ऐसे मांगता है। तो कवि ने लिख दिया कि भिखारी नहीं भीख मांगे, सिख आपे घरे घरे। वो एक घर दूसरे घर 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 जाता है, सिख आपे घरे घरे, नहीं दीदाना फल आवा। अब जो मैं मांग रहा हूं, क्यों मांग रहा हूं, नहीं दीदाना फल आवा, माटे बापा आपो, अरे अरे यू बोलता है वो, हे बापा आपो, अरे अरे तमारू भलू थसे, भगवान तमने घणो देसे। बोले कि नहीं बोले यू है? नहीं दीदाना फल आवा। अरे भाई आपके पास जो संपत्ति है, जो साधन है, वो मेरे पास भी था एक दिन, मगर मैंने दिया ही नहीं, उसका उपयोग मैंने किया ही नहीं, इसलिए नहीं दीदा ना फलावा, अटले मारे मांगू पड़े छे, तमे आपो, नहीं आपो तो बापा अरे अरे, तमे पण मारी जेम अरे अरे करसो, आप भी मेरी तरह एक दिन मौका आएगा आपको भी, यदि साधनों का सदुपयोग नहीं किया। और साधनों का सदुपयोग वही कर सकता है सामायिक, 24 घंटे में एक सामायिक अवश्य करो तो आपको सोचने का समय मिलेगा। कोई ग्रंथ को वाचन करते करते आपके मन के अंदर क्या होगा, शुभ विचार आ जाएगा। एक लड़का सामायिक लेके बैठा हुआ था अपने घर के अंदर, सामायिक मतलब समता में बैठना, अच्छे विचारों का चिंतन करना, अच्छे धर्म ग्रंथों को वाचना, मगर फिक्स टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं 10 मिनट पढ़ लिया फिर किताब रख दिया, 48 मिनट जैन धर्म के अंदर फिक्स रख दी कि सामायिक मतलब 48 मिनट एक जगह पर संसार की बातों का त्याग करके, व्यवहार की बातों का त्याग करके और व्यापार की बातों का त्याग करके 48 मिनट एक जगह पर बैठना और धर्म ध्यान करना, अच्छे ग्रंथों का वाचन करना, उसका नाम जैन धर्म के अंदर सामायिक व्रत कहा गया है। वो सामायिक लेके बैठा, बड़ा बुद्धिशाली था, अच्छा पढ़ा लिखा लड़का था, बैठा बैठे वो ध्यान कर रहा था। ध्यान करते करते सामने उसकी नज़र गई, सामने 3 फोटो लगे हुए थे, एक पप्पा का, दूसरा दादा का, तीसरा परदादा का। 3 फोटो सामने लगे हुए थे। और एक दिन ध्यान करते करते वहाँ नज़र गई, ओहो पिताजी भी चले गए, दादाजी भी चले गए, पर दादाजी भी चले गए, एक फोटो की जगह है, कल मैं भी चला जाऊंगा तो मेरा बेटा यहाँ चौथा फोटो किसका लगाएगा, मेरा लगाएगा है। और पूरी जिंदगी कूड़ कपट पाप अढ़ारने सेवी ने जी लावे पैसो एक, कितने पाप, पाप अढ़ारने सेवी ने जी लावे पैसो एक, पापना भागी को नहीं जी, और खावा वारा छे अनेक। अपन जाने के बाद क्या हो, पीछे रहे हुए लोग अपने हाथों से कमाई हुई सारी की सारी संपत्ति अपने नाम से 7 क्षेत्र में दे देंगे। कल वो नरेंद्र वाणी गोता ने बताया ने कि एक सेठ जी बीमार पड़े और गुरु महाराज को बुलाया मंगलिक सुनाने के लिए। गुरुदेव ने आकर मंगलिक सुनाई और सोचा कि इतना बड़ा बंगला है, 2-4 गाड़ियाँ बाहर खड़ी है, तो थोड़ा उनको धर्म की बात भी दो सुना दो। उन्होंने कहा कि सेठ जी 7 क्षेत्र है अपने धर्म में, 7 क्षेत्रों के अंदर 1-1 लाख अपने हाथों से
लगा देना है? इस कान में सुनाई नहीं देता है कि महाराज भी बहुत होशियार थे, होशियार बनना ही पड़ता है। जब भगत होशियार होते हैं तो गुरु को भी होशियार बनना ही पड़ता है। महाराज जी इस तरफ से इस तरफ आए और इस कान में बोला, सेठ जी उम्र हो चुकी है, अब जाना है। 7 क्षेत्रों के अंदर 10-10 लाख रुपये लगा देना। ममत्व तो इतना था अंदर तो कि बाबूजी बीजी बात जमा दो, पहली बात जो गिद्दी वो बरोबर है, 1-1 लाख वाली बात बरोबर है कि देखो मरने पड़ा है, उसको जाने की तैयारी है, तो अभी उसको 10-10 अब लेके जाने वाला है। वो जितना बचेगा या जितना घर में रहेगा क्या उसके साथ बांधेंगे घर वाले? नहीं, ममत्व, इस ममत्व को तोड़े, उसका नाम सामायिक। सामायिक का मतलब ही है कि अपना ममत्व छूट जाए, अपना ममत्व कम हो जाए, अपन सौंप दे। कदा नहीं छूटता है तो अमुक उम्र होने के बाद क्या करें? वार्धक्य मुनि वृत्ति नाम, जब उम्र हो जाए तब जीवन के अंदर मुनि वृत्ति नाम, सरलता और सादाई से रहो, तब प्रदर्शन मत करो, तब ममत्व मत करो, क्योंकि कौन से समय पर फोन आ जाए और अर्जेंट जाना पड़े। आजकल तो अर्जेंट जाते लोग, चलते चलते दुख नहीं आया, हॉस्पिटल ले जाए, उसके पहले तो डॉक्टर बोल दे तो पूरा हो गया भाई, कुछ नहीं। ऐसा कुछ हो जाए उसके पहले ममत्व छोड़ दिया हो, अपने हाथों से कुछ काम कर दिया हो, तो फिर उस जाने की मजा होती है, उस जाने में आनंद होता है, उस जाने में प्रसन्नता होती है। इसलिए यहाँ पर अपन को 9वां सामायिक व्रत, जिसके अंदर बताया गया है सामायिक से विशुद्ध बना हुआ आत्मा सर्वता सर्व प्रकार से घातिक कर्मों का क्षय कर देता है और लोक अलोक को देखने वाला ऐसे केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इतना जबरदस्त ताकत के सामायिक व्रत के अंदर रही हुई है, क्षमता को लाके देती है सामायिक और ममता को काट देती है। सच्ची सामायिक हो, अपन तो रोज करते हैं सामायिक, मगर ममता नहीं टूटती है, ममता छूटती नहीं है। पुण्यवानों सामायिक का अपार महिमा शास्त्रकारों ने शास्त्रों के अंदर बताया है जगह जगह पर, कि 2 घड़ी के लिए दुनिया के समस्त जीवों को अभिदान मिलता है। 2 घड़ी के लिए जब आप सामायिक लेके बैठते हो 2 घड़ी, तो 2 घड़ी के लिए संसार के समस्त जीवों को क्या मिलता है? अभिदान मिल जाता है। अपन को कोई नाता कन के अपन क्या करके बैठते? सामायम सावध्यम जोगम पचक्खामी जाव नियमम पज्जुवासामी दुविहम त्रिविहनम मणिनम वायाये कायनम न करेमी न कारवेमी, न करूँगा न कराऊँगा। क्या? जाव नियमम, जहाँ तक का मेरा ये 2 घड़ी का 48 मिनट का मेरा नियम है, वहाँ तक मैं संसार का कोई काम करूँगा नहीं, न कराऊँगा, न किसी से मैं कराऊँगा। तो इतनी 2 घड़ी के लिए अपनी ममता छूट जाती है। और ये अभ्यास अपन जारी रखते हैं तो जब जाने का समय आवे तब अपन को बंधन बांध नहीं सकते हैं, ऑटोमेटिक निर्लेप भाव हो जाता है। मगर कभी भी सामायिक नहीं की होगी और अचानक पैरालिसिस हो जाए, अचानक ऐसी कोई बीमारी आ जाए और फिर अपन न चल सकते हैं, फिर माचा में क्या बोलते हैं पलंग में पड़े पड़े क्या करेंगे अपन? आर्त ध्यान, रोएंगे। देखना जिनको लकवा पैरालिसिस हो जाता है उस आदमी को कोई भी मिलने जाएगा ने वो देख के क्या करेगा? रोना चालू कर देता है। क्यों? कि उसने कभी सामायिक कभी प्रतिक्रमण कभी पूजा कभी भजन कभी भक्ति कुछ नहीं किया, और जब वो एक साथ में अचानक सारा ये जमा किया हुआ साम्राज्य उसके हाथ में से चला जाता है तब वो रोना चालू कर देता है, और उस रोने से आरती ध्यान
और रौद्र ध्यान का बंधन होता है और बंधन अपन को जीवन में संसार में और डुबा देता है। इसलिए प्रभु ने कहा है कि सामायिक करो। सैनिक राजा महावीर प्रभु की सभा के अंदर विराजमान थे। उन्हें एक बार भगवान से पता पड़ा था कि मेरा आयुष्य जब पूरा होगा तब मैं मरकर कहाँ जाने वाला हूँ, नरक में। और बात उसको समोसन के अंदर याद आ गई। खड़े होकर भगवान को सवाल करता कि भगवान, जिस दिन से आपने मुझे बताया है कि मैं नरक में जाने वाला हूँ, उस दिन से मेरा मन दुरुस्ता है, मेरे पांव कांपते हैं, मैं टेंशन में रहता हूँ कि सुख के साहिब क्या काम की, मुझे यहाँ से तो कहाँ जाना है, नरक में जाना है। आप जैसे मुझे भगवान मिले, गुरु मिले हो, रास्ता बताओ कि नरक कैसे टूटे। प्रभु ने सरल रास्ता कौन सा बताया, जा सैनिक, तेरे गांव के अंदर पूनम चंद नाम के जो पुनिया श्रावक है उनके पास से एक सामायिक वो दे तो तू ले ले, तो तेरी नरक भी टूट जाए। महावीर भगवान ने बताया, हमेशा भगवान वही होते जो दयालु होते हैं, हमेशा गुरु वही होते जो करुणाशील होते हैं, हैं? उन्होंने रास्ता बता दिया, शॉर्ट रास्ता। गया सैनिक राजा, पुनिया सावक ने भी स्वागत किया, आइए बिराजी। तो कहे पुनिया, जो चाहिए वो मांग ले, मगर एक सामायिक तेरे मुझे दे दे। प्रभु मैं खुद आपका हूं, आप हमारे राजा, आप हमारे मालिक हैं, आप जब कभी भी आज्ञा करो तो मुझे खुद को भी राजसभा में हाजिर होना मेरी फर्ज है, मगर सामायिक वो तो कोई बिक्री की चीज नहीं है। सामायिक मन के साथ संबंध रखने वाली क्रिया है। सामायिक देवगुरु और धर्म के प्रति आस्था का एक प्रतीक है। सामायिक की जाती है, सामायिक दी नहीं जाती है। आपको जिसने भेजा है उनको ही पूछ लीजिए ने कि सामायिक की क्या कीमत है। इतना जबरदस्त महिमा, इतना प्रभावी सामायिक व्रत का है। अपन फालतू कितने घंटे मुझे लगते रोज गंवाते होंगे, ऐसी सामायिक करने का जब जब अवसर मिल जाए, समय मिल जाए, मैं तो कहता हूँ बिना सोचे बैठ जाइए। कोई कहेंगे भाई क्या करें, सामायिक लेके बैठते हैं विचार चालू हो जाते हैं। तो कबीर दास जी को भी एक भगत ने सवाल ऐसा किया कि आप कहते हैं भजन करो भजन करो, पर भजन करते करते हमारी तो भांजगढ़ चालू हो जाती है। तो कबीरदास जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि मन जाए तो जाने दे, मन जाए तो जाने दे, मत जाने दे शरीर, बिन चलाई कामठी क्यों लगेगा तीर। तीर कामठी आती है ना, और तीर किसी को मारो तो लगता है, मगर जहाँ तक तुम तीर लेकर उस कामठी के ऊपर लगाओगे नहीं वहाँ तक और तीर कहीं जाने वाला नहीं है। वैसे ही मन जाए तो जाने दे शरीर, मत जाने दे शरीर। शरीर को तुम व्रत से, नियम से, पचखान से उसको नियमित कर दो। स्टार्ट में कदाच नया व्यापारी कोई होता है दुकान में, गल्ले में कोई ग्राहक नहीं आते हैं, माल नहीं जाता है, 6 महीने 12 महीने कभी कभी ऐसे गल्ले पे बैठा रहना पड़ता है। मगर जिसको कमाई करना है, जिसको धंधा करना है, वो दुकान बंद करके घर जाके नहीं सोएगा, और 9 बजे रोज खोलता होगा तो 9 बजे जाके खोलेगा, 8 बजे बंद करता होगा तो 8 बजे बंद करेगा, बैठा रहेगा। विश्वास है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों है। अगर 12 महीने तक नहीं चला तो दोस्तों की सलाह लेगा, यार कौन सी लाइन लो, इस लाइन में तो कुछ मिला नहीं, तो दूसरी लाइन लेगा। ऐसे अपन सामायिक करें, पूजा करें, भक्ति करें, भजन करें, वो करते करते कदाचित अपन को विचारों में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो अपन लाइन बदले। लाइन मतलब अपने स्वभाव को, अपन जिस तरह से क्रिया कर रहे हैं उसमें कोई कमी है, उसमें कोई अपन भूल रहे हैं,
वह भूलों को अपन चेंज करे, अवश्य ही प्रभु के साथ का अपना भागीदारी का जो धंधा करना है नाता जोड़ना है, जुड़ सकता है, मगर बिना पुरुषार्थ नहीं होगा। इसलिए हमारे संतों ने लिखा है कि संसार के व्यवहार के कामों के लिए पुण्य चाहिए। क्या चाहिए? आपको धन कमाना है, आप कितना भी दौड़ेंगे, कितना धंधा करेंगे, मगर पुण्य साथ नहीं दे रहा है तो धन जमा नहीं होगा। मगर धर्म के कामों के लिए पुण्य नहीं चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए। आप घर से मन बनाकर पुरुषार्थ करके आप मंदिर जाएंगे, वहाँ जाकर आप पूजा का पुरुषार्थ करेंगे, वहाँ जाकर आप माला गिनने का पुरुषार्थ करेंगे, आप घर को छोड़कर चातुर्मास आने का पुरुषार्थ करेंगे, घर वाले को कैसे भी समझा कर यहाँ आएंगे। जो बिजी लोग हैं, वो रिटायर है, उनको तो लोग भेज देते कि जाओ करो चौमासा, मगर जो बिजी है, जिनको फुर्सत नहीं है, है वो धर्म करना है, वो कैसे भी करके एडजस्ट करते हैं और पुरुषार्थ जारी रखते हैं। तब पुरुषार्थ करते हैं तब धर्म ध्यान हो सकता है। संसार के काम पुण्य से होते हैं और धर्म के काम पुरुषार्थ से होता है। सभी पाप कर्मों को तोड़ता है कौन? ऐसो पंच, इन पांचों को। कौन से पांच? अरिहान, सीर, आचार्य, उपाध्याय और साधु। इन पंच प्रविष्टि को जो रोज झुकता है, जो रोज भक्ति करता है, सब पाप परासनो, सभी पाप कर्म उसके टूटते। पुरुषार्थ किया तो ने, जब पाप कर्म टूटता तो क्या होता है? मंगलानम च सव्यसीम, मंगल है, परमम हवई मंगलम, सभी मंगलों में श्रेष्ठ मंगल, प्रथम मंगल पंच परमेष्टि भगवंत है। तो बस सामायिक मतलब पुरुषार्थ जो व्यक्ति करता है, टाइम नहीं, ऐसा नहीं, टाइम बहुत है लोगों के पास, मगर पुरुषार्थ नहीं है क्रिया करने का, सामायिक करने का। इसलिए यहाँ पर अपन को कहा गया कि भाई सामायम बहुसो सामायम कुज्जा, बार बार आप क्या करो? सामायिक करो। महान तपस्वी ने साध्वी सुकुमालिका, गुरु आज्ञा विरुद्ध जो भी करना गुरु की आज्ञा से करना है। गुरु ने आज्ञा नहीं दी तो भी उसने क्या किया? गुरु के ना कहने पर भी शून्य घर में आतापना, आतापना मतलब सूरज के सामने दृष्टि लगाकर जो तप किया जाता है उसको क्या तप कहा जाता है? आतापना तप, और करने के लिए आवाज आती है, मगर गुरु सबको आज्ञा नहीं देते हैं। उसकी स्थिति, उसका मनोबल, उसकी बुद्धि वगैरह देखकर कहते भी तू कर, तू मत कर। सुकुमालिका नाम की महान तपस्वी थी, तपस्या करना वस्तु अलग है, मगर मन को कंट्रोल करना वो अलग विज्ञान है। मन को वही कंट्रोल कर सकता है जो ज्ञानी है। तपस्या तो पसखा ले लिया, आम्बिल हो गया, पसखा ले लिया, उपवास हो गया, पर मंजी भाई भटकता हुआ तो है, तो सिद्धियाँ नहीं मिलती है। बहुत से लोग 5,000 आम्बिल करते हैं, 10-10 वर्ष तप कर लेते हैं और घर में देखो तो झगड़े, छोटे मोटे 5-10 तोला के लिए पुत्र वधू को जला देते हैं। केस बनते हैं समाज में, हैं अपने लड़के के वावों को जला देते हैं। और जब किस्सा बाहर आता तब मालूम पड़ता कि उन्होंने 5 वर्ष तप किए और इतने आमिल किए, इतने सिद्धि तप किए, इतने सैनी तप किए, इतने भद्र तप किए, कोई तप बाकी नहीं। और के क्या हुआ? तो कि बस उनकी मांग थी कि वो अपने घर से एक गाड़ी लावे हैं और इतना तोला सोना लावे, मगर वो वेवई ने दिया नहीं, इसलिए उसको जला दी। वे तब क्या काम का? बिल्कुल खड्डे में जाता हो तब, और तब कोई काम का नहीं। और तब और धर्म ऐसा होना चाहिए जो अपने मन को पवित्र रखे, जो अपने विचारों को पवित्र रखे, और अपनी बेटी की तरह अपनी वो को भी वही नज़र से देखे कि नहीं, आज मेरी बेटी किसी के घर गई हो और वहाँ वाले उनको बोले कि 50 तोला तो सोना लेके आओ, तो क्या मैं दे सकती हूँ? नहीं दे सकती हूँ, तो मेरे घर आई हुई मेरी बहू, मेरी बेटी ही है,
ऐसा जब मन पवित्र होता है ने, तब मैं तो कहता हूँ वो पांच आमिल भी कर ले और एक वर्षीय तब भी जीवन में कर ले तो सफल है। मगर ज़्यादा करे और घर में ऐसा द्वेष का, ऐसा राग का वातावरण हो तो तप भी और धर्म भी निंदा के पात्र बन जाता है। हाँ, धर्म कभी नहीं सिखा था कि तुम ऐसा करो कि उसकी मारपीट करो, वो की कि उसको रोज तंग करो। फिर वो माँ भी ऐसी होती, कभी कभी हो बहुत सी माएँ भी ऐसी होती है, बेटा को रोज चढ़ाती रहती, बेटा को रोज चढ़ाती रहती है और वो और बेटे के झगड़े डेली चालू रखवाती है। वो माँ नहीं है, वो माँ नहीं है। माँ तो ये देखती है कि दो कैसे सुखी सुख से रहे, और वो सुख से रहेंगे तो सेवा करेंगे हो, हाँ, और उससे जो सुख से नहीं रहेंगे तो उस घर में अशांति हमेशा हमेशा के लिए होने वाली। पूछी भले वो भैरुजीरी माला गड़े, पूछी भले वो रविवार भैरुजीरा एकासना करे, कुछ नहीं होता है। सामायिक मतलब क्षमता भाव, क्षमता भाव पूर्वक सामायिक करना। महान तपस्विनी साध्वी सुकुमालिका ने बोला अपने गुरु को कि मुझे शून्य घर में, मतलब जहाँ कहीं किसी का आना जाना ना हो, ऐसी जगह पर मुझे ध्यान करना है। इसलिए कहा पुरुष प्रधान धर्म, स्त्रियां कितनी भी समर्थशाली हो, कितनी भी होशियार हो, स्त्री स्त्री उनकी वो मर्यादा होती है, उस मर्यादा में रहकर वो यदि काम करे तो उसकी अनुमोदना होती है, मगर मर्यादा के बाहर यदि जो जाए तो उसकी निंदा होती। गुरु ने ना बोला तो भी वो शून्य घर में गई, शून्य घर में गई तो क्या होता है? ऐसी जगह पर कौन लोग आते हैं? भटके हुए लोग, गलत लोग, दुराचारी लोग। और ऐसे कोई लोग वहाँ पांच आए एक स्त्री को लेकर, वो स्त्री पांचों को नचाती है। साध्वी वहाँ ध्यान कर रही थी, उसकी नज़र गई, वो कितना सुख है विचार मन देखो। तपस्या चीज अलग है और मन को ब्रेक मारना चीज बहुत अलग चीज है। इसलिए धर्म शास्त्रों के अंदर स्त्रियों के लिए अमुक बंधन बताए, अमुक मर्यादा बताई गई है, प्रभावक तो साधु बताए, शासन चलाने वाले आचार्य बताए। और श्री शास्त्र में लिखा है कि तित्तैरा समासुरी, तीर्थंकर भगवंत के गैर हाजिरी में तीर्थंकर के समान कौन होते हैं? आचार्य होते हैं, गुरु होते हैं। यह इसलिए कहा कि साधना अपन को अपने जीवन के अंदर ऐसे करने के जिसमें मन अपना निर्मल दिनों दिन बदता जाए। कुदरत भी जिस मुनि को अनुकूल हो गई थी, ऐसे महान साधक कुलवालक मुनि थे। कौन थे? उत्तराध्याय सूत्र नाम के आगम ग्रंथ में बताया है, कुदरत भी जिसको अनुकूल, मतलब वो मन में चाहे ऐसा होवे तो वैसा होता। एक नदी के किनारे जाकर वो कुलवालक मुनि बैठ गए साधना करने के लिए। इतना उग्र तप, इतनी उग्र उनकी साधना। नदी में वर्षा ऋतु में पानी आया, पूर आए, जबरदस्त तूफान करती हुई नदी आगे आने लगी, मगर वहाँ कौन बैठे हुए थे? मुनि बैठे थे। उन्होंने ऐसे नजर डाली पूर के सामने और पूर ने वहन बदल लिया, जो ऐसे आने वाली थी उनकी नज़र से पूरा वहन बदल गया, तो उनका नाम हो गया कुल वाहक। बहते हुए कुल मतलब वहन को जिन्होंने नज़र से बदल दिया, ऐसे वो साधक पुरुष थे। मगर हर चीज में बताया गया है गुरु निश्रा, साधना कितनी भी हो मगर समुदाय, गुरु, उनकी निश्रा, उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। अब ये कुल वालक मुनि साधना तो कर रहे थे मगर गुरु द्रोही थे। गुरु महाराज उसको मार मार कहते ऐसा नहीं ऐसा कर, ऐसा नहीं ऐसा कर। उसको द्वेष भाव हुआ कि बार बार मेरे पीछे क्यों पड़ा है, ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसा कर, बार बार मेरी ही गलती निकालते हैं, बार बार मुझे ही टोकते रहते हैं। तो मन में गुरु के प्रति क्या हो गया? द्वेष। एक बार गुरु और शिष्य डूंगर चढ़ रहे थे, मुनि और उनके गुरु, शिष्य आगे गुरु पीछे आ रहे थे।
दुर्बुद्धि आई या गुरुदेव रोज कुछ न कुछ कचकच करते रहते हैं, टोकते रहते, और किसी को तो कुछ कहते नहीं, मेरे को ही कहते हैं। किसको कहा जाता मालूम? ऐसे समझो घर में पांच वो हो ने तो समझदार सासू हो तो सबको कटकट नहीं करेगी, जो समझदार होगी उसको बोलेगी, तो समझदार होगी वो विनय से सुनेगी, हाँ बोलेगी, मगर सुनाने का किसको होता है? दूसरी जो तीन है उसको सुनाने का है, मगर तीन को डायरेक्ट नहीं सुनाया जाता, क्योंकि उनमें विनय नहीं है, कहेंगे तो सामने आएगी, झगड़ा करेगी, अपने परिवार की इज्जत जाएगी। तो जो समझदार है उसको बार बार सासू टोकेगी, समझदार समझेगी कि मैं तो गलती नहीं करती हूँ, मगर सासू जी ने मुझे कहा है, तो उसका मतलब उसको उनको सुधरना है, उनको मालूम है कि सबसे ज़्यादा काम मैं करती हूँ, सासू जी की सेवाएं मैं करती हूँ, सासू जी को संभालती भी मैं हूँ, तो अभी सासू जी मुझे कह रहे हैं, तो हम तीन तो कुछ नहीं करते हैं, तो हमारी तो गलतियाँ कितनी होती है, जब इतना काम करती है उसको सासू जी टोकते हैं, तो हमको भी सुधरना चाहिए, कहना किसी को हो और सुनाना किसी को होता है, ये नीति शास्त्र है। तो यहाँ पर भी गुरुदेव ने कहा था बार बार, तो उसके मन में तो द्वेष आया, उल्टा ले लिया, इसलिए कहा कि समय क्या होता है, नारियल का जो पानी होता है ना उसमें जो कपूर डालो तो क्या हो जाता है? जहर बन जाता है। नारियल के पानी में कपूर डालो ना जहर बन जाता है। हाँ, अच्छी चीज है दोनों, मगर विपरीत गुण है। अरे वर्तमान समय के अंदर ज़्यादा हितोपदेश देते हैं या ज़्यादा कुछ कहते हैं तो उल्टा समय का प्रभाव होता है। अब गुरुदेव तो रोज तक कहते थे, उनकी तो नज़र अच्छी थी कि भी सुधर जाए, अच्छी बुद्धि वाला है, अच्छी तपस्या करता है, तो एक गुण आएंगे तो एक अच्छा प्रभावक बनेगा, अच्छा लोगों को मार्गदर्शन करेगा, उस दृष्टि से कहते थे। मगर तो भी उसने उल्टा लिया, अभी ऊपर चढ़ा वो पीछे गुरु जी आ रहे थे, सोचा कि बुड्ढा रोज पीछे पड़ा है, दृष्टि बदल जाती है ना, तो बड़ा पत्थर था, हाँ बराबर आ रहे, पत्थर को लगाया धक्का कि सीधा गुरु के ऊपर जाएगा, तो गुरु काम पर जाएगा, रोज की कटकट बंद। और गुरु भी बहुत ज्ञानी थे, जैसे ऊपर देखा पत्थर आ रहा है, और किसने गिराया? कुल बालक ने। जैसे पत्थर आया दोनों पांव कर दिए लंबे, बीच में से पत्थर चला गया, बस गुरुदेव ने सोचा अब ये शिष्य अपने काम का नहीं है। तब गुरु ने बोला कि जा, स्त्रियों से तेरा पतन होगा। क्या बोल दिया? स्त्रियों से तेरा पतन होगा। वो भी कोई कम था नहीं, अरे गुरु से तो ज़्यादा मैं जानता हूँ, कलयुग का प्रभाव है, बाप से बेटा ज़्यादा कमा लेता है ने, तो बाप कभी कभी बाप बेटा कभी कभी बाप को बोलता है, हाँ आपने क्या किया के, ये सब तो मैंने बसाया है, ये सब तो मैं कमाया हूँ, मगर बेटा तो कमाया कहाँ से, तेरी अंगुली मैंने पकड़ी, तुझे बड़ा हमने किया, तुझे पढ़ाया हमने, तुझे धंधा की लाइन हमने दी, और तू ज़्यादा कमाया कहाँ से कमाया है, हम नहीं होते तो तुम कहाँ से आते। मगर क्या है, जब वो ज्ञान पचता नहीं है, जब उनमें योग्यता नहीं होती है, तब लोगों के विचार ऐसे हो जाते हैं। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusdevotional.